साइबर ठगी के नए नए तरीके इन दिनों ठग अजमा रहे हैं और हमारे ग्रामीण इलाकों के लोग उसका शिकार बन रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें आपके लिए एक संदेश है अगर आप स्मार्टफोन चलाते हैं। परासड़ी एक गांव है पारा के पास झाबुआ जिले में और यहां का एक युवक है सुरेश। इसके पास एक बीते गुरुवार को एक कॉल आता है और कहा जाता है कि वो जियो सर्विस से बोल रहा है, अपना मोबाइल बंद न हो, सिम सेवाएं चालू रहे, उसके लिए एक दबाइए। ये भाई साहब एक दबा देते हैं और एक दबाते ही इनका मोबाइल हैक हो जाता है। इनके पूरे मोबाइल और उसके तमाम एप्लीकेशन पर उस सामने वाले हैकर का कंट्रोल हो जाता है। अब ये भाई साहब पाँच सात दिनों से परेशान थे। इनके एयरटेल बैंक में 9000 के ऊपर की राशि थी और एक खाते में 700 के ऊपर की राशि थी। अब जो हैकर है वो कह रहा है कि आप 5000 रुपये डालिए वरना फिर मैं वो सारे काम कर दूंगा जिससे आप फंस जाओगे। अब परेशान बंदा आज SP झाबुआ पद्मविलोचन शुक्ला से मिलने पहुंचा। सहयोग से मैं भी एक बाइट लेने के लिए पहुंचा हुआ था। देखिए पहले बातचीत SP साहब और उस फरियादी की। देखो इसमें ये सब फर्जी लोग रहते हैं, है ना। साइबर से अगर पूरी दुनिया परेशान हो रही है और कई बार आपको ये अभी ये तो आपको एक तरह का उन्होंने किया, फिर OTP वाला भी आता। OTP मांगा था कि नहीं, है ना। कई बार आपको बोलते हैं कि आपके कोई पार्सल आ गया, आपका नाम कहीं बाहर गया है, या आपने कोई क्राइम कर दिया, ऐसी बहुत सारी चीजें घटना होती है। तो अपने को ये सब फर्जी चीजें है। जब भी कोई घटना होती है, बाई चांस कभी कोई ये सब फोन आता है, तो जो भी आपके निकट का पुलिस थाना है, पुलिस चौकी है या SP ऑफिस में है, साइबर सेल है, तो आप आके बता सकते हैं। आपकी शिकायत में ले ले रहा हूँ। तो आपने सुना SP साहब और सुरेश के बीच की संवाद को। अब साइबर सेल मदद के लिए जुट गई है, लेकिन इस पूरे मामले को एक बार आप खुद सुरेश के मुंह से सुन लीजिए। मेरे पिछले गुरुवार को एक फोन आया था, तो उसमें बोला कि एक दबाओगे तो आपकी सिम बंद नहीं होगी। तो मैंने एक दबा दिया तो मेरी सिम बंद हो गई। फिर मेरी सिम पे वो नंबर लगा, फोन लगाता है ना दूसरे लोग, तो उसके पास जाता, वो बोलता है 5000 रुपये डालो और आपकी सिम वापस दे दूंगा, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे बोल। फिर आज आपने क्या करा? आज झाबो आयला हूँ SP साहब के पास। खाते में कितने पैसे थे, क्या हुआ उसका? अभी तो खाते का पता नहीं, अभी करवाएंगे, जाएंगे बैंक में। कितना पैसा था खाते में? एयरटेल पेमेंट में थे 9103 रुपये और बड़ौदा में थे 755 रुपये। तो आपने देखा कि पलासड़ी के सुरेश के साथ क्या हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा ना हो तो कभी भी न तो OTP दीजिए और न ही ऐसे कॉल पर आप 1-2 दबा दीजिए। और अगर आपके साथ ठगी हो भी जाए तो आप 24 घंटे के अंदर अपने अकाउंट को फ्रीज करवा सकते हैं, आपकी राशि सुरक्षित होगी। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके की ठगी का शिकार होने से बच सकें। और आपके लिए संडे हेल्थ शो की तरह ही हम हर बुधवार को लाएंगे एक एडवाइजरी वीडियो, जिसको देखने के सुनने के बाद आप कम से कम हैकर का शिकार नहीं बनेंगे और कानून की नई नई जानकारी आपके पास होगी। देखते रहिए CB Live।